गर्मी के इस मौसम में पसीने की नमी के कारण फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमन है। आइए वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पर जुड़े मिशन फंगल फ्री इंडिया 2.0 से और इस मौके पर जाने देश और अपने शहर के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद नाजीम से कि हाथों और त्वचा की कैसे करें देखभाल। डॉक्टर, हमें हैंड हाइजीन के बारे में बताएं। हैंड हाइजीन एक प्रोसेस होता है जिससे हम अपना जो हमारे हाथों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसका कंटेंट और उसका लोड कम कर ले, और देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट। एक होता है नॉर्मल सोप और पानी से हम हाथ धो देते हैं, उसको हैंड वॉशिंग कहते हैं, जिससे हम हैंड हाइजीन मेंटेन कर ले। और एक तरीका होता है कि जैसे आजकल सैनिटाइजर्स होते हैं या एंटीसेप्टिक क्रीम सोप्स हो जाते हैं, उनको लगा के हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं, उसको भी एक हैंड हाइजीन कहते हैं। डॉक्टर, मैं अपने हाथ कब और क्यों धोऊं? स्पेशली जब हम वॉशरूम से बाहर आ जाए, पोस्ट टॉयलेट्स यू हैव टू गो फॉर एन हैंड वॉश एंड हैंड हाइजीन। इवन यू आर प्रिपेयरिंग एनी फूड बैक एट होम, तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर एन हैंड हाइजीन। आप किसी को सर्व कर रहे हो कोई चीज, खाने की चीज, तो हैंड हाइजीन करना चाहिए। घरों में जो हमारी मदर्स होती है, बेबीज का डायपर चेंज करती है, बिफोर यू चेंज द डायपर इट इज इम्पॉर्टेंट टू डू द हैंड हाइजीन, यू वॉश योर हैंड्स, और आफ्टर दैट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। या जब आप घर आ जाते हो, इट इज बेटर टू डू हैंड वॉशिंग एंड हैंड हाइजीन। सो मेनी अ टाइम देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस वेयर यू नीड टू वॉश योर हैंड्स। डॉक्टर, हैंड वॉश करने का प्रॉपर वे क्या है? देखो, हाथ धोने का सही तरीका ऐसा है कि जब हम जैसे हम हाथ धोते हैं, जैसे पहले हमने हाथों को वेट किया पानी से, उसके बाद साबुन लगा लिया, उसके बाद नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 20-25 सेकंड तक हमें हैंड वॉश करना चाहिए, और सारे सरफेसेस ऑफ द हैंड्स इवन नेल्स के अंदर भी कोशिश करना चाहिए अच्छे से क्लीन कर ले, 20 सेकंड मिनिमम 20 से 25 सेकंड। बहुत सारी स्टडीज कहती है कि ये एक अच्छा तरीका जिसमें मिनिमाइज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैंड्स के। अगर हम जल्दी जल्दी कर ले, विद इन 5-10 सेकंड हैंड वॉश कर ले, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म धुल नहीं जाते हैं। सो इट्स गुड टू डू एटलीस्ट फॉर 20 सेकंड हैंड वॉशिंग। डॉक्टर, हैंड सही से वॉश ना होने पर किस किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं? देखो, अगर हम सही से हाथ ना धोए तो एक तो हम अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। एक तो हम अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को भी रिस्क में डाल रहे हैं। जैसे इन्फेक्शन जिसको कहते हैं कि एयरबॉर्न डिजीज बहुत सारी होती है, जिससे हम इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ, ये सारी एयरबॉर्न डिजीज होती है, या ऐसे कुछ जो हमारे पेट में, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जिसको डहेरिया कहते हैं, या साल्मोनेला, टाइफाइड, या हेपेटाइटिस ए, ये सारे हैंड हाइजीन मेंटेन ना करने से होती है। एंड इफ यू डोंट केयर अबाउट, इफ यू डोंट वॉश योर हैंड्स, आप बाहर से आयो और उनको हम इजीली कंटेमिनेट कर सकते हैं। डॉक्टर, बेटर वे क्या है हैंड वॉशिंग और डिसइंफेक्टिंग? तो अगर आपको एक विजिबल डर्ट दिख रही है हाथों पे, जिसको सॉइलिंग कहते हैं, तो इट इज एनफ टू आप हैंड वॉश कर लो विद 20 सेकंड्स विद सोप एंड रनिंग वाटर, दैट इज गुड। बट अगर आप कहीं पे मतलब हॉस्पिटल से आ रहे हो, या आप बाहर ज्यादा काम कर रहे हो, या आजकल जैसे कोविड कोरोना बहुत सारा है, या एयरबॉर्न डिजीज बहुत सारी है, बेटर रहता है कि डिसइंफेक्टेंट आप हाथों को कर लो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप ज्यादा कर लो कि जिससे आपको हैंड डर्माटाइट्स, हैंड एक्जिमाज हो जाए। जितनी जरूरत है उतना कर सकता बंदा। A public awareness initiative for Fungal Free India by the makers of Lulis from Ipca Laboratories Limited.